वेलकम एवरीवन टू पूजास किचन। आज आपको मैं बनाने बताऊंगी लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे किचन गार्डन में बहुत सारे लौकी, कद्दू और कुकुम्बर लगे हैं, तो मैंने सोचा आज लौकी की सब्ज़ी बनाई जाए। तो ये बहुत ही यूनिक सी सब्ज़ी है, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक कुछ भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो सबसे पहले हमने लौकी को अच्छे से धो लेना है और फिर उसके जो पील्स हैं वो निकाल लेने हैं। लौकी जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये हाई इन फाइबर है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है और एंटीऑक्सीडेंट, इसलिए हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और इससे जो एजिंग के साइन होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो अब हमने लौकी का छिलका निकाल दिया है, अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो हमने मोटा वाला ग्रेटर लेना है, बहुत बारीक इसको ग्रेट नहीं करना है। लौकी में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारे लीवर को, और हमारी लीवर की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। ये इन्हांस करता है हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को और इम्प्रूव करता है ब्लड शुगर लेवल को। लौकी में बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, राइबोफ्लेविन, थायमीन, मैगनीज और सिलेनियम। लौकी में जो है पोटेंट साइटोटॉक्सिक पाए जाते हैं, जिससे कैंसर का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। क्योंकि लौकी में बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है और पानी रहता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। तो अब देखिए हमने सारी जो लौकी है वो ग्रेट कर ली है, अब हम इसको कुकर में डाल देंगे। देखिए हमने कुकर में डाल दी, जो इतनी सी बच गई है ये आएगी ही नहीं हमारे कुकर में, तो हमने जितनी आती है उतना हमने डाल दिया। अब इसमें सॉल्ट डाल के हमने इसको बॉईल करने रख देना है, तो हमने 1 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है। इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि लौकी में अपना ही बहुत पानी होता है, तो उसी से ये बॉईल हो जाएगी। तो हमने 5 से 6 सीटी इसको लगा लेनी है। लौकी में क्योंकि पोटेशियम बड़ी हाई मात्रा में रहता है, तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। लौकी को खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है। तो लीजिए हमने इसको विसल लगवा ली है, लौकी को 5 से 6 विसल लगवानी है आपने। तो आज हम बनाएंगे लौकी लोहे की कढ़ाई में, ये हेल्प करता है बैलेंस करने में हेमोग्लोबिन लेवल हमारी बॉडी में। तो हमने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने रिफाइंड लिया है। अब हमने इसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा साबुत, मेथी पिसी हुई 1/4 टीस्पून, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। अब हमने डाल दिया धनिया 1 टीस्पून। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, और अब जो बॉईल की हुई घिया थी ये मैंने डाल दी इसमें लौकी। अगर आपको मीठा थोड़ा सा टेस्ट पसंद है तो आप लौकी को ऐसे ही डाल दीजिए, नहीं तो आप इसमें से पानी निकाल के अच्छे से निचोड़ के डालेंगे तो मिठास उतनी नहीं रहेगी। मुझे तो अच्छा लगता है थोड़ा सा मीठा टेस्ट, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, नहीं तो आप लौकी को थोड़ा सा निचोड़ लें और फिर डालें। तो ये अब हम इसी में पकाएंगे, तो मीडियम फ्लेम पे हमने बिल्कुल रिड्यूस होने तक इसको जो है वो पकाना है। और अगर हमने सॉल्ट जो है वो बॉईल करते टाइम भी डाला था, अगर आपको कम लगे तो आप इस टाइम में अपने स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल सकते हैं, जब रिड्यूस हो गया घी है। तो अगर हम एल्युमिनियम में बनाते हैं तो वो कई बार टॉक्सिक भी हो जाता है हमारा जो खाना, इसलिए हमने अवॉइड किया एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाने से।
तो लीजिए, अब हमारी जो गिया है वो एकदम तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व कर देंगे चपाती के साथ, और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है उन लोगों के लिए, तो बहुत ही अच्छा है जो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। आप एक बार ज़रूर इसको बना के देखिए।